भजन ये क्या हुआ आपकी टांग? ये मेरी ना टांग जल गई थी 2009 में, आग लग गई थी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टरों के पास गया था, वो उन्होंने बताया था, जिना हॉस्पिटल में मैं गया था, उन्होंने कहा था कि जी आप जो है ना के मंगल के बुध वाले दिन आना, वो सर्जरी डॉक्टर बैठते हैं, वो 17 नंबर कमरा पता नहीं, उधर आप आना, तो उधर से आपको सर्जरी डॉक्टर सर्जन वाले जो होते हैं ना वो बताएंगे आपको। अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया कि वो अगर वो आपकी छाती से मांस उतारेंगे तो वो यहाँ पे लगाएंगे, तो मैं ना डर गया था। मैं इसकी टांग को क्या हो गया यार, चला भी जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करनी है, थोड़ा सा इधर आ सकते हैं? भजन ये क्या हुआ आपकी टांग? ये मेरी ना टांग जल गई थी 2009 में, आग लग गई थी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने ना भाई को गुर्दा दिया था, ये टांग मेरी ठीक हुई है, उधर से बकर मंडी को मैं सही का अस्पताल है, उन्होंने पट्टियां कर करके ना इलाज उन्होंने उधर से करवाया, घर वालों ने, घर किराए पे ही है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने शादी भी की है, मेरी बीवी भी थी, फिर उसके बाद मैंने बड़े भाई के किडनियाँ ख़राब हो गई, मैंने अपने बड़े भाई को किडनी दी अपनी लेफ्ट साइड की, दिल वाली साइड की, ये टांके लगे हुए हैं। ठीक है, मेरी दिल वाली नारे भी कटी हुई हैं, देख सकते हैं आप। इसकी मेडिसिन आपको खा रहे हो? हाँ जी, इसकी मेडिसिन मोहल्ले में डॉक्टर है, ये मेडिसिन मेरे पास भी है। अच्छा, मेडिसिन क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टरों के पास गया था, वो उन्होंने बताया था, जिना हॉस्पिटल में मैं गया था, उन्होंने कहा था कि जी आप जो है ना के मंगल के बुध वाले दिन आना, वो सर्जरी डॉक्टर बैठते हैं, वो 17 नंबर कमरा पता नहीं, उधर आप आना, तो उधर से आपको सर्जरी डॉक्टर सर्जन वाले जो होते हैं ना वो बताएंगे आपको। अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया कि वो अगर वो आपकी छाती से मांस उतारेंगे तो वो यहाँ पे लगाएंगे, तो मैं ना डर गया था, मैंने कहा नहीं, अगर मैं जख्मी हूँ तो मैं नहीं। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मेडिसिन से आराम आ जाएगा? नहीं, मेडिसिन उन्होंने लिख के दी थी। अच्छा। मेरे ना यानी कि वो जलने भी होने, गर्मी में जलन होने शुरू हो जाती है, खारिश होने शुरू हो जाती है गर्मी में, ये गर्मियों की बात है, मैं गया गर्मियों में भी गया हूँ। अब मैं ये जो सी मोहल्ले में से डॉक्टर से दवाई ले रहा हूँ, ये दवाई से आराम आ रहा है, मैं दवाई उधर से लगा रहा हूँ। इससे इस तरह तो बड़ा चलना मुश्किल होता होगा आपको? हाँ, चलना तो मुश्किल होता है। आप मतलब जा रहे हो, ठीक है, किस लिए जा रहे हो? मतलब रोड पे बस, घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि महंगाई भी है, आपको पता है कि घर के 4-5 अफराद हो तो घर में 1-2-3 कमाने वाले हों, वालदा वो कपड़े सिलाई करती हैं, वालद साहब हैं वो भी बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ। तो घर का खर्चा कैसा चल रहा है? बस कभी कहीं से मांग लिया, कभी कभी किसी मार्केट में चले गए, कभी किसी शारे पे मांग मांग के खर्चा पूरा कर रहे हैं। अगर कार्ड कुछ बना हो या महीने का किसी ने लगाया हो या महीना लगाया हो तो मैं मांगू ना, कोई पक्की नौकरी बैठने वाली मिल जाए, मेरे ये ठीक हो जाए, तक मैं नौकरी भी कर सकता हूँ। देखें, ये क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद फिजान मेरे भाई का, ठीक है। और ये पहले कमाते थे, नौकरी करते थे, ठीक है ना? और जब से इनका टांग का मसला हुआ है तब से ये मतलब उनकी नौकरी भी छूट गई, ठीक है। और घर के हालात, पानी का काम करता था मैं, फिल्टर में नीचे, घर के नीचे फिल्टर लगा हुआ है, उनका पानी सप्लाई करता था मैं, होलसेल में जाता था काम करने, ये महीना हुआ मैंने छोड़ा काम। मेरे भाई, मैं जब जा रहा था ना यहाँ से गुजरा था तो मुझे देखा नहीं गया कि यार आप किस तरह चल रही है, आपकी टांग का इतना प्रॉब्लम हुआ है, आपको तो आराम करना चाहिए यार। बस घर के हालात आप देख लेंगे ना तो आप कहेंगे, आपके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी। ये जो बताओ मुझे, ये मेडिसिन है? हाँ जी। इससे अब आराम आ रहा है? हाँ जी, आराम आता है। किससे लिखवाई है आपने? ये लिखवाई नहीं है, ये वालदा लेके आई है, मोहल्ले में डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी है डॉक्टर है, उनकी जो है ना वो मम्मी को मैंने बताया कि ये इधर जलन होती है, सहार पड़ता है, उनको पता है कि गर्मियों में ना इसको जलन भी होती है, सहार रात को पंखा लगा के लेटते हैं, तो वो उनको बताया था कि दर्द बहुत होती है टांग। अच्छा, जो उन्होंने ये बताओ मुझे कि किस तरह आपके लिए आसानी हो सकती है, बताओ। आसानी हो सकती है बस, अब ये जख्म पर ठीक हो जाए तो मैं काम पे लग जाऊँ। हाँ। जख्म ठीक हो जाए, मैं काम पे लग जाऊँ, मैं अपने घर के हालात को बेहतर करूँ। किस तरह कर सकते हैं बताओ, क्या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ? आप अगर जो जैसे आपकी मर्जी है, अगर आपको आपको मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन मिंटन गोली जो सी आया वो नहीं, मेडिसिन आपकी पूरी हो रही है? मेडिसिन तो पूरी है, मेरी वालदा कर रही है। अच्छा। घर में मैं तो अभी किस चीज़ की जरूरत है मेरे भाई को? अब घर राशन के लिए पैसे मांग रहा हूँ। अच्छा, बस राशन के लिए। अच्छा मेरे भाई, आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, आपको राशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, मैं आपके लिए राशन ला देता हूँ, ठीक है, ठीक है, पूरे महीने का। रोजे रख रहे हो आप?
नहीं वालदा रख रही है, वालदा भी रख रही है, घर में रख रहे हैं लोग। हाँ वालदा भी रख रही है, वो छोटी भरजाई भी रख रही है, एक छोटा भाई है। चलो मैं आपके लिए ना अभी राशन लेके आता हूँ पूरे महीने का, ठीक है? आप ही तो मेरा इंतजार करोगे। हाँ जी, इधर ही बैठ, उधर ही बैठ, मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? आपके घर वाले रोजे रख रहे हैं, ठीक है? आप तो चलो नहीं रख सकते क्योंकि आपका मसला है मेडिसिन खाते हो, ठीक है ना? इस वजह से तो ये पूरे घर का राशन है, ठीक है? पूरे महीने का राशन है, ठीक है? अब मकसद ये है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलना, ठीक है? आपका अल्लाह ताला ने आपका राशन का इंतजाम कर दिया, ठीक है? अब आपने घर से बाहर निकलना, आप जगह जगह जाते थे ना, मांगते थे कि पैसे राशन की चाहिए, वो आपने पूरा महीना आप घर में गुजारना, आराम करना है, ठीक है? आप आराम करेंगे ना तो आपकी ये टांग है ना जल्दी जल्दी हील होगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? आपकी बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी टेंशन परेशानियाँ दूर करे। आप मेरे घर चक्कर जरूर लगाना, मेरी वालदा कपड़े सिलाई करती है, आपने मेरा घर जरूर देखना, आपने घर ठीक है, मैं आपका नंबर लूंगा अभी, ठीक है? और मैंने आपको कॉल करके आपके घर आना, आपकी प्रोग्रेस चेक करनी कि आपकी मतलब टांग कैसी है, ठीक है? अच्छा, इसके लिए मुझे बताओ कि मैं और कुछ कर सकूं आपके लिए, बताओ? इसके लिए बस अब आज मैंने आज से मैं शुरू कर रहा हूं, अभी अभी जहाँ से आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया उसकी मेडिसिन जो यूज कर रहे हो उससे सेटिस्फाई हो आप, मुतमिन हो? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, मतलब हील हो रही ना? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर भी मैं आपको ना अपने भाई के लिए, ये कुछ पैसे हैं ये रख लो, ये आपके काम आएंगे, ठीक है? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ ये राशन किस लेके जाओगे? ये रिक्शे पे, इधर से नहीं तो रिक्शे पे बैठा दूं आपको। हाँ रिक्शे पे, ठीक है? मेरा भाई मुझसे वादा करता है घर से बाहर नहीं जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है? ठीक, चलो पूरा महीना आराम से रमजान में घर ठीक है, चलो मैं आपको रिक्शे में बैठाता हूँ, आ जाओ, उठ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद फिलान है, ठीक है? अच्छा भैया ना आपने ना इसको घर छोड़ देना, ठीक है? ओके भैया अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं आपका पता लूंगा दोबारा आगे, ठीक है? चलो खुश हो, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।